चूंटणी पहला समग्र देश में आमूल परिवर्तन ना सौथी मोटा अभियान ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरुआत करावामां आवी। जी हां, अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश ना 100-200 नहीं परंतु 554 रेलवे स्टेशन ने कायाकल्प करने कार्य खातमुहूर्त कर दीधु। 41,000 करोड़ खर्चे समग्र देश 554 रेलवे स्टेशन नो पुनर्विकास, जेमा गुजरात 46 शहरों रेलवे स्टेशन नो समावेश थाय छे। जुआ रिपोर्ट। ભારતમાં આમૂલ પરિવર્તનનું સૌથી મોટું અભિયાન લોકસભા ચૂંટણી પહેલા કેન્દ્ર સરકારની સૌથી મોટી ભેટ ગુજરાતના 46 રેલવે સ્ટેશનનું આધુનિકરણ રેલવેના મુસાફરોની સુવિધામાં વધારો કરવા માટે ખાસ કાર્યો હાથ ધરાયા છે। ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, સારી સુવિધાઓ, સલામતી, આરામદાયક અને નૈસર્ગિક મુસાફરીનો મુસાફરોને તદ્દન નવો અનુભવ પ્રદાન કરવા તથા સેવાઓમાં વૃદ્ધિ કરવાના ભાગરૂપે ભારતીય રેલવેમાં એક આમૂલ પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે। પ્રધાનમંત્રી મોદીના હસ્તે 41,000 કરોડના રેલવેના કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું। समग्र देश 554 रेलवे स्टेशन नवीनीकरण कर गुजरात 46 रेलवे स्टेशन समावेश। अमदावाद कालुपुर रेलवे स्टेशन सहित डिविजन 9 रेलवे स्टेशन की कायाकल्प। राजकोट रेलवे जंक्शन की साथ डिविजन 12 स्टेशनों की कायाकल्प। वडोदरा विभाग 8 रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट खातमुहूर्त थयु। विकसित भारत की बात करता है तो इसके सूत्रधार और सबसे बड़े लाभार्थी देश के युवा ही है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज रेलवे का जो ये कायाकल्प हो रहा है, ये उन साथियों को भी लाभ देगा जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। लोकसभा चूंटणी पहला रेलवे ना आधुनिकरण केन्द्र सरकार की आ सौथी मोटी योजना छे। आ तमाम रेलवे स्टेशन में जेते शहर की ओळख जोवा मळशे। रीडेवलपमेंट थनारा रेलवे स्टेशन पर वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, बुकिंग अने पार्सल ऑफिस, लिफ्ट, एस्केलेटर, कॉन्फोर्स, एसी वेटिंग रूम, सुविधाजनक पार्किंग, आधुनिक कोच मार्गदर्शन डिस्प्ले बोर्ड, अनाउंसमेंट सिस्टम, वाईफाई सहित सुविधाओं उपलब्ध करवामां आवशे। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। चांदी जैसा